हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे अपने ज़िला का नाम लिखकर कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो बिजनौर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक बिजनौर ज़िला के नाम से जाना जाता है। बिजनौर ज़िला उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा उत्तराखंड राज्य से मिलती है। बिजनौर ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस बिजनौर शहर में मौजूद है और बिजनौर ज़िला मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। बिजनौर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम मुरादाबाद ज़िला, मुजफ्फरनगर ज़िला, सहारनपुर ज़िला, अमरोहा ज़िला और उत्तराखंड का हरिद्वार ज़िला है। आज़ादी के लड़ाई के समय सर सैयद खां यहीं पर कार्यरत थे। उनकी मशहूर किताब तारीख़ें कर सकी ए बिजनौर काफ़ी मशहूर है। बिजनौर ज़िला के पैजनिया गांव में चौधरी चरण सिंह त्यागी के घर प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां ने ही शरण ली थी, जब अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर गोली मारने का आदेश दिया गया था। तब बिजनौर ज़िला में 5 तहसील, 18 नगर पालिका परिषद, 22 पुलिस स्टेशन, 2 विश्वविद्यालय, 1 डाकघर, 12 नगर पालिका और 2519 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिजनौर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिजनौर ज़िला की कुल आबादी 36,82,713 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 19,21,215 और महिला की कुल आबादी 17,61,598 है। बिजनौर ज़िले का औसत लिंगानुपात 913 के करीब है, यानी कि बिजनौर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 913 महिला हैं। बिजनौर ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 55% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 43% है। बिजनौर ज़िला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 435 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो बिजनौर ज़िला की सड़कें उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। वैसे इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 74, नेशनल हाईवे संख्या 119 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। बात करें रेलवे स्टेशन की तो बिजनौर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बिजनौर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म व 4 पटरी शामिल है। और बिजनौर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड BJO है। और यह रेलवे स्टेशन मसूरी एक्सप्रेस, नाजिमाबाद एक्सप्रेस मुरादाबाद पैसेंजर, चंडीगढ़ एक्सप्रेस
लखनऊ गढ़वाल एक्सप्रेस इसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। बिजनौर रेलवे स्टेशन नॉर्थ रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो बिजनौर ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बिजनौर ज़िला की साक्षरता दर 70% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 70% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। बिजनौर ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: एसपी कॉलेज, हिंदू इंटर कॉलेज, महर्षि विद्या मंदिर, आरआर पब्लिक स्कूल, जीटीबी पब्लिक स्कूल, जेपी पब्लिक स्कूल, सारंग गवर्नमेंट स्कूल। ये जितने भी स्कूल व कॉलेज हैं ये सभी बिजनौर ज़िला में ही मौजूद हैं और यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से अपनी तरफ से शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि लोगों को अच्छी तरीके से स्वस्थ रहने में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ के मुख्य अस्पतालों में शुमार मिर्जा हॉस्पिटल, कुमार हॉस्पिटल, कमला नर्सिंग होम, तोमर हॉस्पिटल, पुलकित मेमोरियल हॉस्पिटल, ये सभी बिजनौर ज़िला में ही मौजूद हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर मशहूर है। यहाँ पर कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में लोग आकर घूमते हैं और यहाँ पर आनंद उठाते रहते हैं। यहाँ के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल में शुमार कंठ आश्रम, बिदरकुटी जो कि महाभारत काल से ही प्रसिद्ध है, बिदरकुटी मंदिर, दारा नगर, सेदावर, पारसनाथ का किला, आजमपुर की पाठशाला, नजीबाबाद सुल्ताना किला, इंद्रिया पार्क, दरगाह औलिया, नजफ ए हिंद, ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं ये सभी इसी बिजनौर ज़िला में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही लोग आकर आनंद उठाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, और भी ज़िला के बारे में हम अपने चैनल पर बता चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। जितने भी ज़िला के बारे में वीडियो बना है उसका भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को फैला दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ज़िला के बारे में एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।